अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोगी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है रेडमी 6, ये देखिए मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया हूँ, लेकिन फ्लिपकार्ट की हालत देखिए क्या बुरी हालत है इसकी, पूरा बॉक्स फटा हुआ निकला था। मैं सब चेक करके लिया हूँ, फ़ोन तो काफ़ी सुरक्षित है, फ़ोन तो मिला है मेरे को, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बॉक्स कुछ इस तरह से मैं देखने को मिल जाता है, राइट और लेफ्ट वहाँ पर रेडमी 6 लिखा है, और पीछे देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स मेंशन किया गया है। यहाँ पर देखिए 12+5 मेगापिक्सल AI डुअल रियर कैमरा, लार्ज 1.25 माइक्रोन पिक्सल, उसके बाद जो इसका प्रोसेसर हीलियो का P22 प्रोसेसर जो कि बना हुआ है 12 नैनोमीटर के ऊपर, और 5.4 इंच का डिस्प्ले है। उसके बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ मिल जाता है, और इसका जो कलर है वो है ब्लू कलर में। 3GB 32GB में मैंने परचेज किया हूँ, और यहाँ पर प्राइस भी मेंशन किया गया है 8999, लेकिन ये 8000 के अंदर आपको मिल जाता है Mi.com और फ्लिपकार्ट पे। और अभी हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही हमें अपना डिवाइस मिल जाता है जो कि रेडमी 6। उसके बाद यहाँ पर कलर देखिए, फर्स्ट लुक में तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है ये कलर, ब्लू कलर। और पीछे आपको देखिए डुअल रियर कैमरा, सिंगल एलईडी फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसके बाद पीछे ही आपको स्पीकर भी मिल जाता है, और सामने देखिए एक 18:9 डिस्प्ले मिल जाता है आपको। और इसका जो घूंघट है अभी हम हटा लेते हैं, और साथ ही साथ इसे हम फर्स्ट बूट भी कर लेते हैं, और देखते हैं बॉक्स में क्या कुछ हमें मिलेगा। ये तो ये देखिए कुछ यूज़र मैनुअल गाइड और वारंटी इन्फॉर्मेशन कार्ड वगैरह मिल जाते हैं, तो इसके ज़रूरत तो नहीं है, इसे हम एक बार साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए एक डेटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए एक माइक्रो USB to USB केबल मिल जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक चार्जिंग एडाप्टर भी मिल जाता है जिसकी रेटिंग है 5 वोल्ट 1 एम्पीयर। और जो नेक्स्ट कंटेंट मिलेगा वो है सिम इजेक्शन टूल। तो ये देखिए सिम इजेक्शन टूल इस बार थोड़ा अलग से यहाँ पर शोमी देने की कोशिश की है। तो बस इतना ही है बॉक्स में, और कुछ नहीं मिलेगा, TPU केस वगैरह कुछ नहीं मिलता। और अभी हम फ़ोन को एक बार सेटअप कर लेते हैं। फ़ोन को तो सेट कर चुका हूँ पूरी तरीके से, और अभी हम चलते हैं सिम ट्रे के तरफ, तो क्या यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक जो सिम ट्रे है ये सिंगल नैनो सिम सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ और एक सिम ट्रे उसे भी हम निकाल लेते हैं साथ ही साथ। तो ये देखिए मैंने अभी इसे बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर आपको देखने मिलता है एक सिम और एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट। तो ये देखिए दो सिम और एक मेमोरी कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, और फ़ोन भी मेरा पूरी तरीके से सेट हो चुका है। तो अभी हम सीधे चलते हैं सेटिंग्स में। तो ये देखिए मैंने सेटिंग्स में चलता हूँ, तो सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए डिवाइस नेम रेडमी, मॉडल नंबर रेडमी 6, उसके बाद एंड्रॉयड का जो वर्जन है 8.1 ओरियो MIUI 9.6 के ऊपर मिल जाता है। एंड्रॉयड का जो सिक्योरिटी पैच है 1/8/2018 का। उसके बाद 3GB रैम मिल जाते हैं, 32GB में से आपको 23GB मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए। अभी हम चलते हैं इस डिवाइस का फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस ID की तरफ, तो एक बार हम फटाफट इसका सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये देखिए मैंने फेस ID और फिंगरप्रिंट दोनों को यहाँ पर सेट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर देखिए फास्ट है, अगर 8000 के हिसाब से देखें तो काफ़ी फास्ट है फेस ID। और एक बार हम फिंगरप्रिंट भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए मैंने टैप किया और अनलॉक, टैप किया अनलॉक। तो बस इसी के साथ अपना वीडियो हम ख़त्म कर लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, शेयर करना, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो ले आता रहूँगा।